स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल में। चलिए हम एक क्विक अपडेट देख लेते हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में, आजकल इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफी बढ़ गई है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर गए। चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। पहले हम लोग प्राइस एक्शन देख लेते हैं क्या चल रहा है इसका आज का प्राइस। तो कॉइन मार्केट कैप में देखेंगे तो ये टोटल आज के दिन डाउन है। इसका करंट प्राइस है 6.01401, ये 3.44% जो है ये आज के दिन में डाउन है। अब इनके ट्विटर अकाउंट में देखते हैं क्या है। तो इनके ट्विटर अकाउंट में जैसे कि हम नजर डालेंगे तो इसमें इन्होंने कुछ रीट्वीट्स की हुई है, वो रीट्वीट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बट इसके पहले चलते हैं कॉइन गीको ऐप में। कॉइन गीको ऐप में अगर हम देखेंगे तो टॉप ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया में हम देखेंगे तो बेबी डॉज कॉइन, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि बेबी डॉज कॉइन में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफी बढ़ गई है, पॉइंट नंबर वन। सेकेंड, कॉइन गीको ऐप भी बता रहा है कि टॉप ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में बेबी डॉज कॉइन नंबर टू पे है। चलिए तो जैसे मैंने कहा था इनका रीट्वीट्स देख रहे थे ट्विटर में बेबी डॉज कॉइन ने क्या क्या रीट्वीट किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्होंने जो रीट्वीट किया है वह बिटकॉइन AFG का, जो कि उनके सीईओ का स्टेटमेंट है। उनके सीईओ को ऐसा लगता है कि मतलब जो बेबी डॉज कॉइन है ये 2022 में काफी बुलिश प्रेडिक्शन इन्होंने इनका रखा हुआ है। इनको लगता है कि 2022 में बेबी डॉज कॉइन 5 बिलियन मार्केट कैप हिट करेगा। अब ये काफी बुलिश क्यों है, क्योंकि अगर आप यूएसडी के हिसाब से देखेंगे तो करंट मार्केट कैप बेबी डॉज कॉइन का है 285 मिलियन। अब इन्होंने 5 बिलियन यानी 5000 मिलियन का यूएसडी का इन्होंने टारगेट रखा है मार्केट कैप का 2022 में। मतलब इनको लगता है कि 2022 में बेबी डॉज कॉइन कम से कम 17 टाइम्स रिटर्न दे देगा। अब मैं आपको बिटकॉइन, जो बिग बिटकॉइन AFG है, मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये बेसिकली एक मैगजीन है। ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल क्रिप्टो मैगजीन है और डेली न्यूज़पेपर है जिसने ये प्राइस प्रेडिक्ट किया हुआ है और ये काफी फेमस है। 8000 के ऊपर कॉइन्स इनको ट्रैक करते हैं और कम से कम 3.5 मिलियन प्लस यूजर या 35 लाख से ज्यादा यूजर्स इनके जो न्यूज़पेपर है, एप्स है, इसको यूज करते हैं क्रिप्टो के बारे में जानकारी के लिए। अभी इनका एक और ट्वीट है जो कि बेबी डॉज ने रीट्वीट किया है ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड में, जिसमें बिटकॉइन AFG ने सीधा सीधा कहा है कि मतलब जो बेबी डॉज कॉइन है इनको फोर्थ नंबर पे उन्होंने बताया कि मतलब जो कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा है, मतलब दुनिया भर में मीम कॉइन्स में बेबी डॉज कॉइन एक ही है और टॉप फोर पे है, तो फोर्थ नंबर पे है। मतलब बिटकॉइन, BNB और सोलाना के बाद में बेबी डॉज कॉइन है जो कि काफी ट्रेंडिंग पे है। अभी कॉइन EX ग्लोबल का भी उन्होंने रीट्वीट किया है, उसमें कॉइन EX ग्लोबल ये जो है ये एक्चुअली एक एक्सचेंज है। इसने भी कहा है कि जो टॉप 5 सर्चर्स है इनके एक्सचेंज में उसमें जो बेबी डॉज कॉइन है ये सेकंड नंबर पे है। अभी रिसेंटली जो क्रीवर करके है ये एक नई एक्सचेंज है, इन्होंने बेबी डॉज कॉइन को अपने एक्सचेंज में लिस्ट किया हुआ है। तो इन्होंने बेकरी स्वैप, मतलब बेक बेबी डॉज और बेसिक अटेंशन टोकन, ये तीन टोकन इन्होंने ये किया हुआ है अपने इसमें, मतलब लिस्ट किया हुआ है जिसमें बेबी डॉज कॉइन भी है, क्योंकि बेबी डॉज कॉइन की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है और इसकी वॉल्यूम्स भी बढ़ गई है। अभी बेबी डॉज कॉइन की हम चैरिटी की बात करें तो अभी इसने रिसेंटली जो NFT कलेक्शन से जो भी पैसा उन्होंने जनरेट किया उसमें से 4 लाख USD जो है उन्होंने अपने चैरिटी पार्टनर्स को दिया हुआ है। चैरिटी पार्टनर्स में कौन कौन है, जैसे कि जो ह्यूमन सोसाइटी हो गया, एनिमल लीग हो गया, जो कि मतलब पेट एनिमल्स की केयर करते हैं, चाहे वो डॉग्स हो या कैट्स हो। साथ ही इन्होंने एक ट्वीट किया था बेबी डॉज कॉइन ने एनिमल लीग के साथ मिलकर कि इनका जो मोबाइल एडॉप्शन यूनिट है वो हिट करने वाला है वुमेन रिंग न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि एक सेंट्रल पार्क है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये ऑलरेडी जो इवेंट है ये खत्म हो गया है, तो इन्होंने ये चैरिटी स्पॉन्सर किया था जहां पे जो भी डॉग्स और कैट्स है, जो भी स्ट्रे है, तो इनको जिन किसी को भी अडॉप्ट करना है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी चैरिटी की तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। जैसे कि आपको पता है कि जो डॉज कॉइन है ये मीम कॉइन है, मीम कॉइन में कम्युनिटी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए और ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे बेबी डॉज कॉइन जो है वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, क्योंकि चैरिटी के साथ साथ ये जो चैरिटी ये जो कर रहा है जो इसके साथ साथ इसकी मार्केटिंग भी इनडायरेक्ट वे में हो रही है, तो इसकी जो कम्युनिटी है ये काफी ज्यादा बढ़ रही है। ये थे क्विक अपडेट्स बेबी डॉज कॉइन के बारे में। आपको क्या लगता है बेबी डॉज कॉइन इस साल के एंड में कहां तक जाएगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।